एनडीए 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 चारों तरफ बस एक ही शोर शराबा है। एनडीए एनडीए कब होगी एनडीए की एग्जाम, कब आएंगे एनडीए के एडमिट कार्ड। एनडीए के सभी एस्पिरेंट्स कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर इस कन्फ्यूजन से भरे सैकड़ों वीडियो जा चुके हैं, जिसमें कोई बता रहा है एनडीए की एग्जाम डेट तो कोई बता रहा है एडमिट कार्ड की डेट। सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडी जोन। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डिफेंस स्टडी जोन पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसका सपना हर साल लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन केवल कुछ ही स्टूडेंट्स का ये सपना पूरा हो पाता है। अब बात करेंगे एनडीए जिसकी एग्जाम इस बार एनडीए फर्स्ट 2020 जिसकी एग्जाम इस बार 19 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन अभी तक एनडीए के एडमिट कार्ड का कोई अता पता नहीं है। जबकि एनडीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया था कि एनडीए के एडमिट कार्ड अप्रैल के शुरुआत में या फिर मार्च के एंड में आ जाएंगे, दो सप्ताह पहले उसे आ जाते हैं, लेकिन अभी तक उसके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो क्या हुआ एग्जाम का, क्या कैंसिल हो चुकी है एग्जाम, तो सारी सटीक जानकारी आपको विद प्रूफ आपको दे दी जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए है। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से जाकर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में घंटी को दबाएं ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप जानते ही होंगे कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है, तो हम आपको ले चलते हैं सीधा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको बता दूं कि यही काम आप अपने खुद के मोबाइल फोन पर या कंप्यूटर पर करके चेक कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप टू स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं कि आप कैसे इसे चेक करें विद प्रूफ। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, आप मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी आपका इंटरनेट चलाने का ब्राउजर है, जो भी चाहे आपके पास गूगल क्रोम हो या गूगल हो या फिर कोई भी मोजिला फायरबॉक्स, जो भी आपके पास इंटरनेट का ब्राउजर है आपको उसे ओपन करना है। सबसे पहले उसे ओपन करने के बाद आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पर लगानी है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप और मतलब वेबसाइट वैसे लगा सकते हैं। तो चलिए यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है दोस्तों www.upsc.gov.in। जी हाँ, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in। तो आपको ये वेबसाइट को लॉगिन करना है। यहाँ पर मेरी वेबसाइट मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर खुल चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन को। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब आपको कहाँ पर डिटेल मिलने वाली है। जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाने वाले हैं तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो देखिए पीले कलर में कुछ वर्ड स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर अभी ये वर्ड चलते रहते हैं तो ए टू जेड मतलब अगले वाले वर्ड आते रहते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि एनडीए की एग्ज़ाम को अभी स्थगित कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अब इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में जब आप जाएंगे तो आपको देखिए हाइलाइट्स में सबसे पहले जो ऊपर जो मिल रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक फ़ाइल होगी जो डाउनलोड होगी। आप मेरी डाउनलोड हो रखी है पहले से तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है दोस्तों, आप इस फाइल को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकी आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। जब आप इस पूरी फाइल को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि COVID-19 नोवल कोरोना वायरस की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली तथा कुछ अन्य जिलों में
कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा हुआ है, वो पूरी तरीके से बंद है। तब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। जी हाँ, आपको साफ साफ इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम का नया नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। अब हम पीछे चलते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको काफ़ी और दिए गए हैं, यहाँ पर जो इतने भी इंटरव्यू थे यूपीएससी के वो कैंसिल कर दिए गए हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट थे वो भी सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, तो ये उनके बारे में डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है फाइनली कि एनडीए की एग्ज़ाम को अभी स्थगित कर दिया गया है और ये एग्ज़ाम अभी काफ़ी टाइम लेने वाला है। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को बीच में छोड़ें ना, पूरे तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना तय है, आपकी एग्ज़ाम होगी और आपको टाइम ही मिल रहा है तैयारी करने के लिए, तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर होना है तो वो होगा ही भाई। आप नीचे आप जाएंगे तो आपको एक एग्जामिनेशन का टैब और मिलने वाला है। यदि आप और चेक करना चाहें तो आप नीचे जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। एडमिट कार्ड वहां पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं है। साथ ही आप यहां पर एग्जामिनेशन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप दोस्तों इस वेबसाइट पर जाके पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं ऑफिशियली। ये है आपका प्रूफ। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है, या फिर किस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए है नेक्स्ट। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस चैनल पर हम आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। अभी हमने करंट अफेयर्स की नई सीरीज शुरुआत की है, जिसमें हम आपको PDF फाइल के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स दे रहे हैं, जिसमें हम 2 सप्ताह के कर चुके हैं। बाकी और आगे हम आपको करवाने वाले हैं, एनडीए के एग्जाम तक पूरा करंट अफेयर्स आपको करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियो को भी जाकर जल्दी से देखिए दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और किसी नेक्स्ट वीडियो में।